देखो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ तुम्हें कि हमें स्क्वायर रूट जो है न्यूमरेटर से हटाना है, तो हम उसी प्रिंसिपल में वर्क करते हैं। अपने रूट वन प्लस एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ, अगर ये रूट वन प्लस एक्स न्यूमरेटर में से हटाना है तो वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स करना पड़ेगा। होल स्क्वायर हो गया वन प्लस एक्स का, तो वन प्लस एक्स रह गया अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास अभी, ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक्स लीनियर इज इक्वल्स टू, यानी कि एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए डी वाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए टू एक्स प्लस वन प्लस बी। कंपेयर करें, ऑन कंपेरिजन वन इज इक्वल्स टू टू ए एंड वन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू। अब यहाँ रख दो तो b की वैल्यू भी कितनी आएगी बन वन बाई टू, वैल्यू बाद में पुट करेंगे ठीक है। x प्लस वन की जगह क्या लिखा जाएगा, ये तो a टू एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। सेपरेट करो जरा, a 2x प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो हम यहाँ दो काम करेंगे, एक तो इसे टी स्क्वायर मानेंगे और एक इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया, तो 2x प्लस वन डी एक्स कितना आएगा 2t dt। तो a इसके लिए कितना आएगा 2t dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन अंडर रूट। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन बाई टू का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ठीक है, ये कैंसिल हो गया 2a इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस बी। यहाँ पे देखो मेरा क्या बन रहा है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक दो तीन, ये तो x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर हो गया माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, इसका तो क्या जाएगा t। हमारे पास जो लास्ट स्टेप लिखी हुई है वो कुछ ऐसे लिखी हुई थी, लास्ट स्टेप जो हमारे पास लिखी हुई थी वो थी लिखी हुई 2a इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस b dx अपॉन अंडर रूट x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, रूट में फॉर्मूला लिख रहा हूँ log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये तो होता है फॉर्मूला है। इसका क्या हो जाएगा 2a t प्लस बी, इसका क्या होगा लॉग x, x मतलब x प्लस वन बाई टू प्लस अंडर रूट ये पूरी वैल्यू। तो ये पूरी वैल्यू तो देखो ये पूरी वैल्यू तो सॉल्व होकर यही बनेगी ना, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाया गया, तो डायरेक्ट यही लिख देता हूँ, ये सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ठीक है प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी आई थी वन बाई टू, टू इंटू वन बाई टू, टी किसको माना था हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, तो टी की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बी कितना है वन बाई टू और लॉग, ये कितना जगह टू एक्स प्लस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू प्लस सी। इट मे बी पॉसिबल कि ये टू ना दे रखा हो ठीक है, ये तो कैंसिल हो ही गया, ये टू ना दे रखा हो ऐसा हो सकता है क्योंकि लॉग में एडजस्ट हो जाता है वो कॉन्स्टेंट ठीक है।